वेलकम बैक दोस्तों, सोमनाथ फोटोग्राफी चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों आज हम लोग लेके आ गए न्यू लैब मॉक पीएचडी टेम्पलेट। बहुत ही बेहतरीन टेम्पलेट है, 10 पीएचडी टेम्पलेट फ्री में मैं आपको दे रहा हूँ। तो टेम्पलेट पहले आपको दिखा देते हैं किस तरह से आपको टेम्पलेट देखने को मिलेगा, आपको कैसे मिलेगा इस तरह से मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए यहाँ पे इस तरह से आपका टेम्पलेट आपको देखने को मिल रहा है। बहुत ही क्वालिटी फुल टेम्पलेट है, बहुत ही प्रीमियम क्वालिटी का है, एकदम फ्री है, बिल्कुल फ्री, ठीक है। और इसके अंदर आपको कुछ भी नहीं करना है, खाली डाउनलोड करना है। और इसके अंदर आपको एक पासवर्ड भी मिलेगा। तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको पासवर्ड नहीं मिलेगा, पासवर्ड आपको मिलेगा वीडियो के स्क्रीन में, ठीक है, जो कि मैं वीडियो में एडिट करते टाइम आपको हमेशा दिखा देता हूँ। तो वीडियो कम्प्लीटली देखिएगा तो पासवर्ड आपको बराबर मिल जाएगा। तो कैसे डाउनलोड इसको करना है तो वो भी मैं इसी वीडियो के अंदर आपको दिखाऊंगा, तो वीडियो स्किप मत कीजिएगा, ओके। तो चलिए फिलहाल मैं एक दो टेम्पलेट आपको ओपन करके दिखा देता हूँ किस तरह से आपको इसको यूज करना है, ओके गाइस। तो फर्स्ट मैं यहाँ पे फोटोशॉप सीएस देख लेते हैं, यहाँ पे कौन सा फोटोशॉप मैंने यूज कर रहा हूँ। तो यहाँ पे मैं फोटोशॉप सीसी 14 वर्जन यूज कर रहा हूँ और मैं डार्क मैजिक प्रोडक्ट के अंदर से आपको यूज करके दिखाऊंगा, ठीक है। आप मैनुअल भी यूज कर सकते हैं और ये डार्क मैजिक के प्रोडक्ट से भी यूज कर सकते हैं। तो मैं यहाँ से एक टेम्पलेट ओपन करके दिखा देता हूँ किस तरह से आपको करना है, ओके। तो फर्स्ट मैं यहाँ से एक टेम्पलेट ओपन कर लेता हूँ, जैसे ये वाला टेम्पलेट मैंने ओपन कर लिया तो ये फोटोशॉप के अंदर बाय डिफॉल्ट आ गया, ठीक है। इसके अंदर से मैं फोटो फिल करके आपको दिखाऊंगा किस तरह से आपको यूज करना है। तो जो लोग मेरा डार्क मैजिक यूज कर रहा है उन लोगों को पता ही होगा किस तरह से मेरा ये टेम्पलेट यूज करते हैं, या फिर मार्केट का भी कोई भी टेम्पलेट हो आप इसके अंदर से यूज कर सकते हैं, ओके। तो फर्स्ट यहाँ पे ये वाला जो शेप है इसको सिलेक्ट करना है, उसके बाद दूसरा वाला शेप सिलेक्ट करने के लिए शिफ्ट का बटन को प्रेस करना है, उसके बाद इसको क्लिक करना है। तो ये दूसरा वाला फ्रेम भी आपका सिलेक्ट हो गया। उसके बाद आपको सिंपली यहाँ पे ऑटो फिल का जो बटन दिखाई दे रहा है पीला रंग का, इसको आपको दबाना है। जब भी दबाएंगे आपके सामने एक बॉक्स खुलेगा, फोटो मांगेगा कहाँ पे आपका फोटो है। तो मैं यहाँ पे एल्बम वर्क के अंदर से फोटो दे देता हूँ। आपके पास अगर डेस्कटॉप में फोटो है, डॉक्यूमेंट्स में फोटो है, डाउनलोड में फोटो है, सभी फोटो आप किसी भी टाइप का फोटो आप यूज कर सकते हैं, बट जेपीजी फॉर्मेट में होना चाहिए, ओके। तो यहाँ पे मैं फोटोज के अंदर जाता हूँ और जाने के बाद यहाँ पे दो फोटो मैं यहाँ पे चूज कर देता हूँ। जैसे मान लीजिए यहाँ पे दो फोटो मैंने रखा है, तो ये दो फोटो मैंने चूज कर लिया, इसको सिंपली यहाँ पे ओके को क्लिक कर देना है। अब देखिए इसका मैजिक। सो गाइस देख सकते हैं यहाँ पे फोटो आपका फिल हो चुका है और इसको आप मूव भी कर सकते हैं, इधर उधर मूव कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे मैंने मूव कर दिया और इसको भी आप इधर उधर मूव कर सकते हैं, ओके। तो इस तरह से आप लोगों को कर लेना है। तो आई थिंक आप लोगों को समझ में आ चुका है किस तरह से इसको यूज करना है, ओके। और ये बहुत ही ब्यूटीफुल टेम्पलेट लग रहा है, मैं आपको थोड़ा सा जूम करके दिखा देता हूँ। बहुत ही शानदार टेम्पलेट है और इसका क्वालिटी देखिए बहुत ही लाजवाब आया है, ओके। तो इस तरह से आप लोगों को पीएचडी टेम्पलेट फिल करना है। करने के बाद आप इसको प्रिंट करेंगे तो बहुत ही बेहतरीन एक डिजाइन आपका खुल के आ जाएगा, कस्टमर को देंगे तो बहुत ही सेटिस्फाई होगा और आप भी बहुत खुश होंगे कि कस्टमर आप लोगों को आपका काम देख के बहुत ही सेटिस्फाई हो गया, ठीक है। तो इसी तरह से टेम्पलेट मैं हमेशा लाता रहता हूँ। अगर ऐसा ही टेम्पलेट अगर आपको और भी चाहिए फ्री में या पेड में, तो मेरा चैनल को फॉलो कीजिए और अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन बेल आइकन को दबाना एकदम मत भूलिए, क्योंकि मैं जब भी वीडियो डालूंगा आपके मोबाइल में एक नोटिफिकेशन आ जाएगा कि मैंने एक वीडियो डाला है, ओके गाइस। तो चलिए दूसरा एक टेम्पलेट मैं ओपन करके आप लोगों को दिखा देता हूँ और फिलहाल मैं यहाँ पे पासवर्ड शो कर देता हूँ। देखिए यहाँ पे पासवर्ड, देखिए यहाँ पे माउस के यहाँ पे पासवर्ड आपका शो हो रहा है, डार्क मैजिक। ये आपका कंप्लीटली स्मॉल लेटर में लिखा गया है, डार्क मैजिक, ओके गाइस। तो चलिए मैं दूसरा टेम्पलेट आपको ओपन करके दिखा देता हूँ। सो गाइस यहाँ पे मैंने दूसरा टेम्पलेट ओपन कर लिया है, ये भी बहुत ही शानदार टेम्पलेट है। आप देख सकते हैं कितना सुंदर ये टेम्पलेट डिजाइन किया गया है और ये टेम्पलेट डिजाइन हुआ इसी के अंदर से, ओके गाइस। आपको समझ में नहीं आएगा बट इसी के अंदर से मैं आपको पीएचडी टेम्पलेट डिजाइन करके आप लोगों को देता हूँ। देखिए यहाँ पे पीएचडी टेम्पलेट्स मेक, तो यहाँ से आपको पीएचडी टेम्पलेट आप बना सकते हैं बहुत ही आसानी से। इसके अंदर से बहुत सारी चीज कर सकते हैं, इसमें देखिए क्या क्या चीज है, रिटचिंग, ब्लैक एंड व्हाइट टू कलर, ऑटो कलर करेक्शन, पीएचडी टेम्पलेट मेक, सिनेमेटिक इफेक्ट, स्टूडियो पासपोर्ट, स्काई एंड बैकग्राउंड चेंज, ओके। और इसके अंदर ऑयल पेंटिंग भी है, देखिए यहाँ पे ऑयल पेंटिंग का ऑप्शन भी दिया गया है, ओके गाइस। और बहुत सारा चीज है, ठीक है। इसके बारे में ज्यादा जानकारी चाहिए तो आपको यहाँ पे देखिए एक
आई बटन में देखिए एक लिंक शो कर रहा होगा, उसको क्लिक करेंगे तो इसका पूरा कंप्लीट वीडियो आपको दिखाई देगा। ये पूरा एक घंटे का वीडियो है, कंप्लीट वीडियो आप देखिए, अगर पसंद आए तो इसको आप बाय कर सकते हैं उसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन से। तो इसका प्राइस मैंने रखा है केवल 999 रुपया इस सॉफ्टवेयर का प्राइस, ओके। लेकिन ये जो PhD आपको मैं दे रहा हूँ ये बिल्कुल फ्री है, टेंशन मत लीजिए, ये पेड नहीं है, ये फ्री है, ठीक है। ये हाई क्वालिटी का टेम्पलेट है, जल्दी से जल्दी इसको डाउनलोड कीजिए और इसको इस्तेमाल कीजिए, कस्टमर को दीजिए बस, ओके। तो मैं यहाँ पे इसको फिल करके आपको दिखा देता हूँ। जैसे इसको मैंने सिलेक्ट किया और इसको मैंने सिलेक्ट किया, ये दोनों फ्रेम को मैंने सिलेक्ट किया और यहाँ पे ऑटो फिल का बटन में क्लिक करना है। जब भी क्लिक करेंगे आपके सामने एक बॉक्स खुलेगा, तो फोटो आपको देना है, जहाँ पे आपका फोटो है वो फोटो आप दे दीजिए यहाँ से। जैसे मान लीजिए मैं यहाँ से एक फोटो ये वाला दे देता हूँ और एक फोटो मैं यहाँ पे ये वाला दे देता हूँ। आप यहाँ से मैं ओके का बटन दबाऊंगा, आप देखिए इसका मैजिक। सो गाइस यहाँ पे देखिए फोटो आपका फिल हो चुका है, बट आपको इस फोटो को यहाँ पे डालना है और इस फोटो को आपको यहाँ पे डालना है। तो आपको क्या करना है, तो इस फोटो को सिलेक्ट करना है और शिफ्ट का बटन प्रेस करते हुए ये दूसरा वाला फोटो को शिफ्ट क्लिक करना है। तो दोनों फोटो सिलेक्ट जब हो जाएगा तो आप इसको यहाँ पे स्वाइप फोटो में क्लिक कर दीजिए। जब भी स्वाइप फोटो में क्लिक करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली आपका ये दो फोटो चेंज हो जाएगा, स्वाइप हो जाएगा, ओके। तो देखने में भी बहुत ही बढ़िया लगेगा, देखिए यहाँ पे देख सकते हैं बहुत ही आसानी से ये चेंज हो गया है और बहुत ही खास लग रहा है, ठीक है। अगर आप इसको छोटा बड़ा करेंगे तो आप कर सकते हैं, यहाँ पे कंट्रोल टी दबा के इसको छोटा बड़ा भी कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए मैं यहाँ पे छोटा कर लेता हूँ यहाँ तक, और इसको मैं थोड़ा सा इधर दे देता हूँ। आप देख सकते हैं यहाँ पे इस तरह से आपका डिजाइन देखने को लगेगा, ओके। तो है ना मजेदार। अगर मान लीजिए इस फोटो को आपको लाइट बढ़ाना है तो आपको क्या करना होगा, यहाँ पे रेस्टराइज ऑल में क्लिक कर देना है और इस फोटो को चूज करना है और यहाँ पे लाइट का जो प्लस का बटन है इसको प्रेस करना है। देखिए ऑटोमेटिकली आपका लाइट बढ़ रहा है, ओके। ऐसे ही आपको काम करना है। तो डार्क मैजिक इतना अच्छा सॉफ्टवेयर है, इसका रेटिंग है 99.9%। सो गाइस चलिए मैं किस तरह से डाउनलोड करते हैं वो मैं आपको दिखा देता हूँ। सो गाइस जब भी आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाएंगे जहां पे डाउनलोड लिंक आपको दिखाई देगा, उसको जब भी आप क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरह से आपका एक पेज खुलेगा, एडोब फोटोशॉप ट्यूटोरियल, ठीक है। तो आप नीचे में आएंगे तो यहाँ पे आपको डाउनलोड बोल के लिखा रहेगा, यहाँ पे देख सकते हैं लैब मॉक PhD यार। तो यहाँ पे इसको क्लिक करेंगे तो डाउनलोड आपका चालू हो जाएगा। तो कैसे डाउनलोड चालू होगा मैं आपको दिखा देता हूँ। तो उससे पहले मैं आपको दिखा देता हूँ डार्क मैजिक एक्सप्रेस, उसके बारे में मैं यहाँ पे लिख के रखा हूँ। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं बिस्तर में यहाँ पे लिखा गया है। तो इसका कंप्लीट डिटेल्स आप कंप्लीट आप पढ़ सकते हैं, पढ़ने के बाद अगर आपको इसको पसंद आए तो आप यहाँ पे डायरेक्ट क्लिक करके इसको डाउनलोड भी कर सकते हैं, इसको बाय भी कर सकते हैं, ओके। तो चलिए मैं इसको दिखा देता हूँ किस तरह से आपको डाउनलोड करना है। जैसे मान लीजिए यहाँ पे जो लिखा हुआ है इसके अंदर ये वाला जो लिंक दिखाई दे रहा है यहाँ पे डाउनलोड किया, इसको जब भी आप क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरह से आपका एक पेज खुलेगा। तो इस तरह से आपका डाउनलोड पेज आ जाता है, ये गूगल ड्राइव का लिंक है। तो यहाँ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे ये वाला जो बटन है इसको क्लिक करेंगे तो डाउनलोड आपका चालू हो जाएगा, ओके गाइस। तो आई थिंक आप लोगों को समझ में आ चुका है किस तरह से आपको यूज करना है और किस तरह से इसको डाउनलोड करना है। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों वीडियो आप लोग को अच्छा लगा, अच्छा लगा तो एक लाइक जरूर कर दीजिए, दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिए। मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, जय हिंद।